वाह क्या बात है, आज कासल ऑन व्हील्स ट्रेन में बड़ा मजा आने वाला है। मजा तो तब आएगा जब ट्रेन प्लेटफॉर्म पे आएगी। ट्रेन का वेट करते करते भूख लग गई, कुछ खा लेता हूँ। पर कीको अब तक नहीं आया। अयो आ गया जी। कौन कीको? नहीं ए ट्रेन जी, ये देखो। ओरी मोरी मदर, कितनी बड़ी ट्रेन है। इसे देख के मेरी भूख भी बड़ी हो गई, कुछ खा लेता हूँ। अब तो ट्रेन भी आ गई पर कीको नहीं आया। एक वर्ड में कहूँ तो वो है लेट। डोंट वरी ट्विंकल, कीको ट्रेन छूटने से पहले ही आ जाएगा। गेम ऑन। अब कीको के साथ गेम ऑन करें और एक्साइटिंग पावर मोड गेन करें। अगर आपने एक्सपीरियंस नहीं किया सेम, तो डाउनलोड करें गेम गूगल प्ले पर उपलब्ध। जैसे ही ट्रेन आए तुम दोनों फटाफट अंदर घुस के सीट पे मेरा ये रुमाल लग देना। लगता है टोनी बॉस की अकल गई मारी है। रुमाल से ट्रेन साफ करने की तैयारी है। टोनी का मुक्का यानी मैंने ये रुमाल ट्रेन साफ करने के लिए नहीं दिया, बल्कि विंडो के बगल वाली सीट पे रखने को दिया है ताकि मैं उस पे बैठूं। मैं कुछ खा के आता हूँ, तब तक तुम लोग मेरा ये रुमाल रख के मेरी सीट फिक्स करो। ट्रेन छूटने में अभी टाइम है, तब तक कुछ पेट पूजा करके आता हूँ। क्या हुआ सर, आज आप इतने टेंशन में क्यों हैं? इंजन की सीटी की आवाज कानों में पड़ते ही जंगल का बंदर पटरी पे गुलाटी मार सकता है। मैं समझ गया सर, आप पहले में यही कह रही हैं ना कि आज इस ट्रेन को खतरा है। बिल्कुल सही, आज इस कासल ऑन व्हील्स की पहली जर्नी है तो मुझे खुफिया खबर मिली है कि कोई बदमाश बदमाशी करने वाला है। पर आप उसे कैसे ढूंढेंगे सर? मेरी एक बात हमेशा याद रखना, हाथी की कमर और जासूस झटपट की नजर दोनों का कोई तोड़ नहीं है। वाह क्या बात कही है सर, नोट पैड पे नोट कर लेता हूँ। ये भी बात नोट कर लो कि वो बदमाश चाहे जहाँ भी हो मेरी नजरों से बच नहीं सकता। Oh, I'm sorry. लगता है आज ट्रेन छूट ही जाएगी, मुझे और तेज दौड़ना होगा। हाँ R7 ब्लिंक कर रही है, जरूर आसपास कोई खतरा होगा। बचाओ, कोई तो बचाओ मुझे। अरे कोई तो बचा, नहीं तो यहाँ से गिर के मेरा कछुबर बच जाएगा। बचा।
बचाओ! छूटने वाली होगी। अब ट्रेन पकड़ने के लिए मुझे सुपर स्पीडो को बुलाना ही पड़ेगा। रफ्तार पे रफ्तार, R7 से निकले सुपर स्पीडो कार। सुपर स्पीडो, हमें कासल ऑन व्हील्स पकड़नी है जो अब तक शायद स्टेशन से छूट भी चुकी होगी। कोई बात नहीं कीको, हम उसे अगले स्टेशन पर पकड़ लेंगे और सबको सरप्राइज देंगे। सीट यहाँ नहीं, टॉयलेट में है। क्यों? क्योंकि आपका दिया हुआ रुमाल हमसे वहीं गिर गया, तो अब आपकी सीट टॉयलेट सीट ही होगी ना। और आप ही ने तो कहा था कि जहाँ आपका रुमाल होगा वही आपकी सीट होगी। क्यों? क्यों? अब तो ट्रेन निकल चुकी, कीको अभी तक नहीं आया। एक वर्ड में कहूँ तो उसने ट्रेन कर दी है मिस। घबराओ मत, मुझे यकीन है कि कीको अगले स्टेशन से ट्रेन जरूर पकड़ लेगा। हुँ? अरे ये ट्रेन रुकी क्यों नहीं? जरूर कोई गड़बड़ है। सुपर स्पीडो, ट्रेन का पीछा करो। स्टेशन पे रुकी क्यों नहीं? ईश, कुछ प्रॉब्लम जरूर है। हर प्रॉब्लम को मेरी भूख की तरह मिटाने, वो देखो कीको आ गया। कुछ खा लेता हूँ। अरे ये रोड तो आगे से मुड़ने वाली है। सुपर स्पीडो, फॉर्मूला नंबर 46 लगाओ। ओके बड़ी, अप्लाई फॉर्मूला नंबर 46। ये ट्रेन कहीं रुक नहीं रही।
रॉबर्ट का हमला, कांटों का गमला। आप सब लोग अब मेरे कब्जे में हैं, इसलिए ख्याल रहे कोई होशियारी नहीं। मैंने आपके सन सिटी की गवर्नमेंट को इन्फॉर्म कर दिया है, जैसे ही मुझे मेरे फिरौती के पैसे मिल जाएंगे मैं आप लोगों को सही सलामत छोड़ दूंगा। इसलिए तब तक ना ये ट्रेन रुकेगी और ना मैं। और हाँ, ख्याल रहे मैंने इस ट्रेन के नीचे एक बॉम्ब लगाया है, तो अगर किसी ने भी मुझसे उलझने की कोशिश की तो 2 सेकंड में सबका सफाया कर दूंगा। रॉबर्ट का हमला, कांटों का गमला। ईश, किडनैपिंग यानी अपहरण, अब क्या होगा? घबराइए नहीं मेयर अंकल, कीको है ना, वो सब संभाल लेगा। मैं नहीं घबरा रहा, एक बार तो मैंने एक रॉबर्ट नाम के किडनैपर को पकड़ लिया और ऐसे पटका कि वो रैबिट बन गया। सच में? और नहीं तो क्या, अगर मैं झूठ बोलूं तो मेरे सिर पर लोगों का सामान गिर जाए। मतलब पक्का झूठ बोला था? किडनैपर अंकल ने बोला कि उन्होंने ट्रेन के नीचे एक बॉम्ब फिट किया है। सुपर स्पीडो, हमें 1 by 1 हर बोगी को नीचे से स्कैन करके उसे ट्रेन से अलग करना होगा। ऑलराइट कीको, फिक्र नॉट, मगर हमें ये काम किडनैपर की नजरों से बच के करना होगा। अगर उसने देख लिया तो बॉम्ब फोड़ सकता है। स्कैन करके अलग करने में बहुत टाइम लगेगा और किडनैपर की नजर में आने का रिस्क भी है, हमें कोई और रास्ता अपनाना पड़ेगा। सही कहा, काश हमें ये पता चल जाता कि किडनैपर ने बॉम्ब कहाँ लगाया है। मुझे लगता है उसने बॉम्ब इंजन के नीचे लगाया होगा ताकि वो उसकी रेंज में रहे। अब मुझे इस चलती ट्रेन के नीचे से होते हुए इंजन तक जाना होगा, क्योंकि अगर ऊपर से गया तो वो मुझे देख सकते हैं। सामने से हटो वरना दुनिया से हटा दूंगा। रॉबर्ट का हमला, कांटों का गमला। सुपर स्पीडो, इस ट्रेन के आगे एक और ट्रेन स्टेशन पे खड़ी है, हमें इनकी टक्कर होने से रोकना होगा। लगाओ फॉर्मूला नंबर 49, तब तक मैं जाकर बॉम्ब से निपटता हूँ। ओके बड़ी, एक्टिवेटिंग फॉर्मूला नंबर 49। रॉबर्ट का हमला, कांटों का गमला। मेरे मैग्नेटिक ग्लव्स कब काम आएंगे? किडनैपर अंकल ये
क्या किया, ट्रेन में बॉम्ब क्यों लगा दिया, पब्लिक प्रॉपर्टी है ये ट्रेन, यूज तो करते अपना ब्रेन, कितने सारे पैसेंजर हैं, सबकी लाइफ है डेंजर में, करना होगा काम ये फास्ट, करने में देंगे ट्रेन में ब्लास्ट। सुनो रॉबर्ट, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुम इस ट्रेन को किडनैप करने का जो रॉन्ग काम कर रहे हो उसे इसी वक्त बंद करके राइट काम करो। पिप्पी कहेंगे, अब तुम मुझे राइट और रॉन्ग सिखाओगे? रॉबर्ट का हमला कांटों का गमला। मेरे हाथों और पैरों पे लगे ये मैग्नेट मुझे यहाँ से गिरने नहीं देंगे। अब देखता हूँ तू कैसे बचता है। तो इन मैग्नेट्स की हेल्प से रॉबर्ट मुझ पर अटैक कर रहा है। मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि वो अपने मैग्नेट्स को यूज ही ना कर पाए। आपको मेरे हवाले कर दो। कर दूंगा, मगर उससे पहले तुम सबको मौत के हवाले तो कर दूं। रॉबर्ट का हमला कांटों का गमला। मैंने उस बॉम्ब का स्पीड मोड एक्टिवेट कर दिया है। अब अगर इस ट्रेन की स्पीड 100 से कम हुई तो वो फट जाएगा। तो फिर मैं चला अपने घर और तुम जाओ ऊपर। आधी रात में तलिया किनारे गन्ने के खेत में बिल से निकाल के चूहे को सुलाने का टाइम आ गया। मतलब सर, पहली में कह रहे हैं कि यू आर अंडर अरेस्ट। बड़ी, सबसे पहले हमें उस सामने वाली स्कूल बस को बचाना होगा जो अभी पटरी पे खराब पड़ी हुई है। लगाओ फॉर्मूला नंबर 93। श्योर बड़ी, अप्लाई फॉर्मूला नंबर 93। ये तो बच गए सुपर स्पीडो, पर अब हमें कुछ भी करके उस बॉम्ब से पीछा छुड़ाना होगा, वरना अगर वो फटा तो इस डीजल टैंकर की वजह से धमाका और भी खतरनाक हो सकता है। पर कैसे कीको? मैंने उस बॉम्ब को स्कैन किया है। हमने अगर उस बॉम्ब को वहाँ से निकालने की कोशिश भी की तो वो तुरंत फट जाएगा। हाँ, और ट्रेन की स्पीड 100 से कम होने पर भी फट जाएगा। जल्दी कुछ सोचो कीको, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। वो देखो, हमारी अभी की स्पीड के हिसाब से हमें उन लोगों तक पहुंचने में 20 सेकंड लगेंगे। इतने कम टाइम में सबको बचाने के लिए हमें फॉर्मूला नंबर 138 लगाना होगा। ऑलराइट कीको, एक्टिवेटिंग फॉर्मूला नंबर 138। जल्दी निकलो यहाँ से।
भाई वाह, आज किको और सुपर स्पीडो ने ये फिर साबित कर दिया कि इन दोनों के रहते सेंसिटी का हर एक इंसान महफूज है। शाबाश शाबाश।